तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूं, जिसमें आज मैं YouTube से रिलेटेड कुछ बात करने वाला हूं। आप जैसे ही YouTube को ओपन करते होंगे आप अपने मोबाइल में, तो आप देख सकते हैं यहां पे जो भी वीडियो आता होगा वो ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में चलने लगता होगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे स्क्रॉल किया तो ये कुछ वक्त में ये वीडियो चलने लगेगा। जैसे देख सकते हैं ये वीडियो अपने आप ऑटोमेटिक चलने लगा, जिससे कि आपका नेट ख़त्म हो जाता है और बहुत जल्दी डाटा ये कंज्यूम कर लेता है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको इसको बंद करना है तो वो कैसे करना है, तो चलिए वीडियो अगर आपको जानना है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने YouTube के प्रोफाइल पे चले जाना है। यहाँ पे प्रोफाइल आपको मिल जाएगा, तो आपको प्रोफाइल पे चले जाना है। प्रोफाइल पे जाने के बाद आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं सेटिंग का एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको, तो सेटिंग पे सिंपली आपको चले जाना है। और जैसे ही सेटिंग पे जाएंगे तो आप सबसे ऊपर में यहाँ पे देख सकते हैं जनरल सेटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपको सिंपली जनरल सेटिंग पे जाना है। जनरल सेटिंग पे जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर से चौथे नंबर पे यहाँ पे म्यूटेड प्ले बैक एंड म्यूटेड प्ले बैक इन फीड से जो है, तो आपको सिंपली इस पे चले जाना है। इस पे जाने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे म्यूटेड प्लेबैक इन फीड्स जो है ऑलवेज ऑन है, तो आपको सिंपली यहाँ से इसको ऑफ कर देना है। अगर ऑलवेज ऑन रहेगा तो ये हमेशा आपके बैकग्राउंड में वीडियो चलता रहेगा, और अगर वाईफाई ओनली आप कर देते हैं तो सिर्फ आप जब वाईफाई से अपना यूट्यूब चलाएँगे तो उस वक्त ये चलेगा, लेकिन आपके डाटा से नहीं चलेगा। लेकिन आपको यहाँ से सिंपली ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद आप बैक हो जाते हैं, तो आप देख सकते हैं ये एक भी वीडियो अब बैकग्राउंड में नहीं चलेगा। तो आप जैसे ही देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो ये चलना बंद हो गया बैकग्राउंड में, तो आपको यहाँ नीचे स्क्रॉल करके भी दिखा देते हैं, यहाँ पे भी नहीं चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे।